जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों, आ गई हरियाली तीज, जिसका बहुत लंबे समय से स्त्रियां इंतजार करती हैं। 19 अगस्त में हरियाली तीज है, और इस हरियाली तीज पर खूब सज के संवर के हम माँ गौरा को क्या अर्पित ऐसा करें, और हम भगवान शिव को क्या ऐसा अर्पित करें, और हम एक जबरदस्त वाला क्या ऐसा उपाय करें मात्र 5 हल्दी की गांठ से, कि आपका जीवन सफल हो जाए, आपका जीवन प्रेममय हो जाए, आप सदा सुहागन रहे, आपका आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो, आपके पति खूब तरक्की करें, आपके पति आपसे खूब प्रेम करें, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली। आज की वीडियो में ये समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आज हरियाली तीज की, मैं आज बात कर रही हूँ शुक्ल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीज की, और मैं आज बात कर रही हूँ महिलाओं के सुहाग की। हरियाली तीज में पूजन सामग्री और पूजन विधि के विषय में मैंने पहले वीडियो प्रसारित की थी, आपने देखी होगी। आज सिर्फ बात करेंगे कि आज हरियाली तीज है, सपोज आज वैसे 19 अगस्त की है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सारी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन इन हरे हरे कपड़ों की तरह, हरी हरी चूड़ियों की तरह, आपका जीवन भी खूब हरा भरा रहे, आपके ऊपर माँ गोरा की कृपा बनी रहे, क्योंकि सावन का महीना है, हरा रंग देखकर माँ गोरा बहुत प्रसन्न होती है, चारों ओर हरियाली है वातावरण में, और जब सुहागन स्त्रियां हरे हरे कपड़ों में चूड़ियां खनकाती हुई मेहंदी लगाकर अपने हाथों में सोलर श्रृंगार करके माँ गोरा के पास जाती हैं, यानी कि मंदिर में जाती हैं, और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं, भेंट करती हैं, तो माँ गोरा अत्यंत प्रसन्न होती है। जब माँ गोरा प्रसन्न होती है तो आपको सुहाग मिलना ही मिलना है। तो अब हम बात करें कि आप प्रातःकाल, जैसे तीज वाले दिन, हरियाली तीज वाले दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान आदि आदि करके, अगर आपके घर में कुछ चौकी इत्यादि बिछाने की रिवाज है, आप बिछाते हैं, तो आपने चौकी फिर स्थापित करा, भगवान शिव को, गणपति जी को और गोरा जी को स्थापित करा, उनकी विधिवत पूजा की, संकल्प ले लिया व्रत का, उस दिन पूरा सुहाग आप निर्जल व्रत करते हैं बहुत सारी जगहों में, क्योंकि ये है हरियाली तीज और भादो महीने, यानी कि अगले महीने में आएगी हरताली का तीज, तो दोनों में थोड़ा फर्क है महीने का, और बाकी जो भी स्त्रियां जिस तरह से आपके परिवार में होता है उस तरह से आप कर लीजिएगा। व्रत रखते हैं उस दिन पति की भी और बड़ों की भी, वैसे तो हर दिन ही करनी चाहिए सेवा, और सास को बायना देके उसके चरण स्पर्श करके आप उनसे सुहाग की कोई एक सामग्री वापस भी ले लेते हैं, उनसे ले लेते हैं झोली में, तो आपका सुहाग बना रहता है, इस तरह से भी किया जाता है। तो बाकी सारी पूजा पाठ तो आपने कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद करना क्या है, शिवालय ले जाएंगे, दूध में केसर डालकर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, माता गौरा को श्रृंगार अर्पित करते हैं, खीर का भोग अर्पित करते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं उस महाउपाय की जो इस हरियाली तीज पर आपको करना ही करना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। दो आपको कपड़े लेने हैं या रुमाल ले सकते हैं, एक सफेद एक पीला, मेरे पास पीला नहीं था तो मैंने अभी दोनों सफेद ले लिए, आपको ये चीज दिखाने के लिए कि आपको करना कैसे है, नहीं तो बहुत बार चीजें समझ में नहीं आती। तो एक पीला और एक सफेद रुमाल ले लीजिए, रुमाल ना मिले तो कोई कपड़ा ले लीजिएगा, साफ सुथरा सुंदर सा नया कपड़ा ले लीजिएगा। मेरे पास रुमाल थे, मैं आपको करके दिखाने के लिए मैंने दो रुमाल लिए हैं, दोनों सफेद है। हमें लेनी है दो सुपारी और एक सिक्का, ठीक है, और लेनी है 5 हल्दी की गांठ, लेकिन सिर्फ आपको गांठ लगाना बता रही हूँ किस तरह। आपने दोनों रुमालों को ये आपस में देखिए, ये अलग अलग थे रुमाल, एक कोने से कोना लगाकर आपने दोनों रुमालों को जोड़ लिया, ये देखिए, इसके बीच में यहां पर हमने कॉर्नर पे दोनों सुपारी और एक सिक्का रख दिया है, ये दोनों सुपारी रखी है और एक सिक्का रख दिया है, ठीक है। थोड़ी सी इसके ऊपर हल्दी छिड़क दीजिएगा, ये पीले कपड़े में, मतलब अभी तो दोनों है, बाकी आगे पीले कपड़े में बताएंगे, लेकिन हल्दी केवल आपको जो डालनी है सफेद कपड़े पर नहीं डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर पीला कपड़ा रखिएगा जिससे कि सफेद कपड़े में हल्दी ना लगे। सफेद जो हम कपड़ा लिए हैं या रुमाल ले रहे हैं वो हम भगवान शिव के लिए ले रहे हैं, और पीला हम माँ गोरा के लिए ले रहे हैं। और ये देखिए हमने इस तरह इसको गांठ बांध दिया है, जब हम इस तरह से इसको गांठ बांध देंगे, आप बड़ा भी ले सकते हैं जैसे भी चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ये वैसे इसमें भी बंध गई है गांठ, अच्छी तरह से हमने इसको टाइट से गांठ बांध दिया है। ये देखिए इसके अंदर हमने दो सुपारी और एक एक रुपए का सिक्का बांधा है। अब हमारे पास दो रुमाल अलग अलग हैं, एक पीला और एक सफेद, ये दोनों सफेद हैं, आप ये मत सोचिएगा अपनी तरह से दिखाए, ये दोनों सफेद हैं, अभी मेरे पास पीला नहीं था ना, मुझे नहीं मालूम था कि बनाना है,
तो ये देखिए, एक सफेद एक पीला आप ले लीजिएगा। जो पीला, सपोज ये पीला है, इसमें 5 हल्दी की गांठ बांध दीजिएगा, इस तरह से करके कैसे भी फोल्ड कर दीजिएगा। और ये वाला जो है, इसमें 5 चुटकी, केवल 5 चुटकी साबुत चावल इसमें रख दीजिएगा। 5 चुटकी साबुत चावल इसमें रख के बांध दीजिएगा। इसको आप जब मंदिर जाएंगे तो इसको संभाल के आप अपने मंदिर में वहां पर लेकर जाइएगा। ये घर से तैयार करिएगा, बहुत आराम से घर से तैयार करिएगा, अपने पति का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, और एक मंत्र बताऊंगी, वो मंत्र बोलते हुए आपको ये करना है। मंत्र बाद में बता दूंगी, पहले पूरी प्रक्रिया बता दूं। आपको ये लेकर जाना है, वहां पर पूजा करनी है, भगवान शिव के चरणों में लगाना है, माँ गौरा के चरणों में लगाना है, अपने मस्तक से लगाना है, और पूजा करने के पश्चात इसको आपको अपने घर वापस ले आना है। ये आप अपने और अपने पति के जहाँ वस्त्र रखे जाते हैं उसमें आपको ये रख देना है। देखिए ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है। ये हम देखिए, पता नहीं हम लोग क्या क्या करते हैं अपने अपनी खुशहाली के लिए, अपने मन के लिए। हमारे पति हमसे खूब प्यार करे, हमारे पति हमारा कहना माने, हमारे पति हमारे को अपना माने, अपना माने, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को तवज्जो दें, और हमारे हिसाब से भी काम को करें। अपने हिसाब से तो करें, हमारे हिसाब से काम को करें, हमारे घर में कभी धन का अभाव ना हो। माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर विराजमान रहे, और माँ गोरा की तरह प्रेम, जैसे माँ गोरा को प्रेम मिला ऐसे हमें प्रेम मिले। ये सारी बहुत सारी इच्छाएं स्त्रियों के मन में होती हैं, उसके लिए हरियाली तीज पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये करके उसके अंदर जो बांधा है, फिर ये लेकर आप अपने घर में आ जाइएगा। जहां भी आपके पति और आपके कपड़े रखे हों, वस्त्र रखे हों, आप वहां पर इसको संभाल के ऐसे कैसे रख दीजिएगा, रखा रहने दीजिएगा। अगली 30 तक, 1 साल इसको ऐसे रखा रहने दीजिएगा। 1 साल बाद इसको ऐसे का ऐसा जल विसर्जित कर दीजिएगा, इसमें से कुछ खोलना नहीं होता है। लेकिन 1 साल से पहले इसको मत हटाइएगा। आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। और अगर बहुत लंबे समय से विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, तो आपके विवाह के मार्ग में वो बाधाएं दूर भी हो जाएंगी। उसके बाद भी 1 साल बाद ही इसको विसर्जित करिएगा। अब अगर कुंवारी कन्याएं इस उपाय को करना चाहती हैं तो वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनेंगी, और वैवाहिक महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनेंगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर जाएंगी और विवाहित महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहन के जाएंगी। रुमाल पीला और सफेद दो तरह का होगा, सफेद रुमाल भगवान शिव के लिए और पीला रुमाल माँ गौरा के लिए। क्लियर है मेरी बात? पीले में हल्दी बांधनी है, सफेद में 5 चुटकी चावल बांधने हैं। अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना, वो मंत्र मैं बता रही हूँ, उस मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। और फिर हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब झूला झूलिएगा, खूब श्रृंगार कीजिएगा, खूब पकवान खाइएगा, बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, सबको प्रेम कीजिएगा, सबसे प्रेम लीजिएगा। देने का भाव ज्यादा रखिएगा, लेने का भाव थोड़ा कम रखिएगा, तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आपको मंत्र बता देती हूँ, ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः। उमा मतलब पार्वती जी, महेश्वराय यानी कि भगवान शिव, अभ्यम नमः, उन दोनों को संयुक्त रूप से मैं प्रणाम करती हूँ। ओम उमा महेश्वराय भ्यम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः। इस मंत्र का आपको जितनी ज्यादा बार कर सकते हो इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। बाकी आपके घर में कितने भी पकवान बने, खीर का भोग जरूर लगाइएगा, और संयुक्त रूप से एक ही कटोरी में एक ही चम्मच से खीर पति पत्नी जरूर खाइएगा। हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं, ये वाला अचूक उपाय हरियाली तीज पर जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपके